जब भी बॉलीवुड में पुरानी अभिनेत्रियों की बात होगी तो बबीता जी के जिक्र के बिना ये अधूरी ही रहेगी। जी हाँ, ये वही बबीता जी हैं जो अब करिश्मा और करीना कपूर की मम्मी के नाम से जानी जाती है और आने वाली जेनरेशन शायद इनको तैमूर की नानी के नाम से ज्यादा जाने। 60 के दशक में बबीता का बॉलीवुड में बड़ा जलवा था। इनके खाते कई बड़े सितारों के साथ हिट फिल्म है तो इसे सुनहरा दौर के कई खूबसूरत नगमे इन पर फिल्माया गया। इनमें आओ हुजूर, कजरा मोहब्बत वाली, बेखुदी सनम, तुमसे अच्छा कौन, भावर की गुंजन आदि शामिल है। बबीता जी के पिता हरी शिवदासानी फिल्म में करेक्टर आर्टिस्ट थे और इन्होंने अपनी बेटी के लिए बॉलीवुड की राह खोली थी। 20 अप्रैल 1947 को जन्मी बबीता जी ने 1966 में संजय खान के साथ 10 लाख से करियर की शुरुआत की थी और पहली फिल्म से ही सक्सेस इंजॉय की थी। वैसे इन्होंने पहली फिल्म साइन की थी वह राजेश खन्ना के साथ राज थी। 1969 में राजेश खन्ना के साथ डोली फिल्म से बबीता जी ने स्टारडम का स्वाद चखना शुरू कर दिया था। बबीता जी और जितेंद्र जी की जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया गया था। दोनों ने औलाद अनमोल मोती, बनफूल और एक हसीना दो दीवाना में काम किया था। अनमोल मोती को देश की पहली अंडरवाटर फिल्म कहा गया था। इस फिल्म में बबीता जी को स्विमिंग सीन देने थे लेकिन यह तैराकी जानती नहीं थी, इसीलिए इनके लिए स्विमिंग पूल में एक टेक रख दिया जाता था और या इसमें खड़ी होकर सीन शूट करती थी। क्या देखे अनमोल मोती का ए जाने जम्मन तेरा गोरा बदन गाने जैसे महेंद्र कपूर ने आवाज दी थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।